हमारी सरकार तो नारा लगाती है कि घर घर में बिजली हो जाएगी, कीड़े भी निकल गए। लेकिन स्थिति यहाँ की एक ऐसी है कि बांस के खंभे में दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को टीसी कनेक्शन दिया जाता है। यूं तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के लिए बिजली की व्यवस्था करना है, जिससे उन्हें रोशनी मिल सके। परंतु यह योजना केवल कागजों में है, ऐसा लगता है। यह कहानी सिवनी ब्लॉक के बमोड़ी पंचायत के ग्राम परतापुर की है, जहाँ पर आज भी लोग 10 सालों से अंधेरे में रह रहे हैं। आज इस धरती के ऊपर में मैं 8 साल से रह चुका हूँ, लेकिन ये दीपक के सहारे रहा हूँ। ये दीपक से ही मैं अपना जीवन कर रहा हूँ, बाल बच्चे को सबको अपना दीपक जला करके और उनको चलाता हूँ। हमको इतनी परेशानी कि घर से बाहर निकलना शाम को अब बहुत मुश्किल मुसीबत हो जाती है। खाना खाने बैठते हैं तो अंधेरे में खाते हैं, एक चिमनी लगा देते हैं अपना टिम टिम और उसी पे अपना जीवन व्यापत करते, हमें कितनी तकलीफ होती होगी। सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आज भी लोग रोशनी के लिए तरस रहे हैं और अंधेरे में रह रहे हैं। आज भी बच्चे बगैर रोशनी के चिमनी में पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राम परतापुर के वार्ड क्रमांक 14 में आज भी लोग रोशनी से वंचित है। यहाँ पर 560 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 70 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी बिजली नहीं है, और 25% परिवार ऐसे हैं जिन्होंने टीसी कनेक्शन अर्थात टेम्परेरी कनेक्शन वाले लोगों से मजबूरन एक बत्ती कनेक्शन लिया है, जिससे वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। बिजली के लिए आपने कोई बिजली के लिए है? जब मैं गया पंच सरपंच को बोला, सबको बोला, तो बोलते क्या है कि हमारे टोले में नहीं है हमारे इसमें, और म्युनिसिपल के तरफ जाओ तो बोलते हैं कि वो पंचायत में है वो करेंगे, तो ना वो कर रहे हैं ना ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वोटिंग कैसे हुआ, कैसा ले रहा है वोटिंग है, जब दोनों तरफ नहीं हो तो क्या है ये, क्या सरकार की नीति है क्या? जिसके पास पैसा है 30,000-40,000 तनख्वाह मिल रही है वो तो ले सकता है, लेकिन 100 रुपया का मजदूर कमाने वाला 50 का क्या करता होगा अपना जीवन, बताइए ये कोई तरीका है? आज तो हमारी सरकार यहाँ तक की कहती है कि हम किसी को न भूखे रहने देंगे और न बिजली से वंचित करेंगे। तो आज 7-8 साल की जगह हो गई यहाँ पर, जो कि मैं दीपक से अपना जीवन कर रहा हूँ। बिजली की समस्या को लेकर यहाँ के लोगों द्वारा कई बार पंचायत में आवेदन दिए गए, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के साथ MPV द्वारा इस वार्ड में कई लोगों को TC कनेक्शन दिए गए हैं, जिसको लेकर भी यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। MPV द्वारा कनेक्शन तो लोगों को दे दिया गया है, पर वार्डों में बिजली के खंभे नहीं लगाए गए हैं, जिससे लोगों ने जगह जगह पर बांस गड़ाकर अपने घरों तक बिजली के वायर लेकर गए हैं, जिसके कारण पूरे वार्डों में बिजली के वायर मकड़ जाल की तरह फैले हुए हैं। ऐसा मौका है कि कभी कभी तो तार टूट गए, अगर किसी कोई घटना घट जाएगी तो इसका जवाबदारी कौन रहेगा? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। बिजली के बांस हवा चलने व गाड़ी मोटर में फंसने के कारण गिर जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने तथा आग लगने का खतरा होता है। बिजली के वायर बांस में फंसे होने के कारण उनकी ऊंचाई बहुत कम है, जिसके कारण मोटरसाइकिल और साइकिल से चलने वालों को इससे अधिक खतरा है। मेरा मंत्री महोदय से आवेदन है कि फौरन इसको नगरपालिका में लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए तत्काल, और ये बांस के खंभे निकाल करके अलग करके यहाँ बिजली फौरन पहुंचाया जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि वह इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाए। विद्युत अधिकारी
एसके शिवंशी, जिनका मोबाइल नंबर है 9425806255। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।